आज का दिन बहुत ही खास है। देश आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। आज के ही दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के ही कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, नेशनल स्पेस डे पर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को 1 साल पूरा हुआ। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो भारत ने कर दिखाया था। तो आज का ये दिन इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और इसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद राष्ट्रपति मौजूद हैं। आज पहला नेशनल स्पेस डे है। नेशनल स्पेस डे पर भारत मंडपम में यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। हमें अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है। तो ये वीडियो प्रधानमंत्री की तरफ से शेयर किया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की उन्होंने सराहना की। हमें अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, इस बात का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है लोगों के साथ। तो आज नेशनल स्पेस डे है और इस मौके पर एबीपी न्यूज ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से खास बातचीत की। एस सोमनाथ ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर खुशी जाहिर की, साथ ही भारत के मिशन गगनयान को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि गगनयान की सभी तैयारियां पूरी हैं, गगन यात्रियों का प्रशिक्षण जारी है, गगन यात्रियों को सुरक्षित लाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ जी हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड हूँ। एक साल बाद हमारे जो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर का इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट जो हुआ था 23 अगस्त 2023 के बाद आप मना रहे हैं पहला एनिवर्सरी, ये नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। सर, मैं भी वहाँ मौजूद था जो अपन ने लॉन्च किया, जो हमने बैंगलोर में लैंड किया कंट्रोल सेंटर में। यस सर, फिर आदित्य L1 हमने लॉन्च किया। तो पिछले एक साल में हमने अंतरिक्ष में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे, चंद्रयान 3, आदित्य L1 एंड रिसेंटली USA स्मॉल लॉन्चिंग। तो सर, हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट मिशन दिसंबर में हमारा इंतजार कर रहा है गगनयान। हम भी तैयारी कर रही है उसका। हमारा रॉकेट तो पहुंचा है लॉन्च कॉम्प्लेक्स में, जो क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम सभी का इंटीग्रेशन हो रहा है, असेंबली हो रहा है। उसी समय सभी तैयारी के बाद ये अक्टूबर नवंबर में सतीश धवन स्पेस में आ जाएगा। हमारा ये विचार है कि बाई दिसंबर हमको ये अनमैन्ड अनक्रूड लॉन्च का तैयारी हो सकता है। सर, सबसे क्रूशियल क्या रहने वाला है गगनयान में? सर, व्हाट विल बी द क्रूशियल स्टेज? क्रूशियल पार्ट इज सेफ्टी नो। हमारे जो क्रू जाते हैं, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उसको वापस यही सेफ लाना है। उसके लिए कई उपाधियां हैं, सेफ्टी का, रॉकेट का सेफ्टी है, क्या कोई एक्सप्लोशन ना हो, जो नो डिफेक्ट्स हो जाए। उसका क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष तो बनाते हैं ना, ऑक्सीजन क्रू एस्केप है, कोई कुछ किसी फेलर हो जाए तो क्रू एस्केप करना है। उसके बाद उसमें एक अंतरिक्ष भी है, एक सर्च लिव एनवायरमेंट भी है, उसमें अच्छी तरह मेंटेन करना है, टेम्परेचर, वायु मर्द और ऑक्सीजन परसेंटेज सभी का बनाना है, पानी खाना सब तैयारी करना है। उसके बाद वो वापस आने में कई सब सुविधाएँ हैं कि वो फंक्शंस है, पैराशूट्स है, एस्केप सिस्टम है, उस सभी का काम अच्छी तरह होना ही चाहिए। उसको इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्टवेयर है, इस सभी का रिव्यू प्रिपरेशन सभी होना ही चाहिए। सर, अंतिम सवाल, अभी जो हमने स्पेस साइंस में या स्पेस में जो हम फेस कर रहे हैं, सुनीता विलियम्स सी इज स्टक देयर, उसके बारे में कई बार मैंने बोला, तो फिर भी क्यों पूछो, पूछ रहे हो? क्या हो सकता है सर, वापस आ जाएगा एक दिन हम ऐसे। तो इसरो चीफ को आपने सुना, जाहिर तौर पर आज का दिन बड़ा दिन और सेलिब्रेट करना भी बनता है।